आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 का पेज नंबर 885। जो टॉपिक है हमारे पास वो है इनक्विनमेंटो एक्वेस्टिको, जो नॉइस पोल्यूशन है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन पैदा होती है जब आप कोई हॉर्न वगैरह बजाते हो, या फिर आपकी ब्रेक्स ख़राब हैं उसको लगाते हुए, या फिर बहुत आप एक्सीलरेट कर रहे हो गाड़ी को, गाड़ी खड़ी हुई है ट्रैफिक में और आपने एक्सीलरेटर पे पांव रखा हुआ है, इन सब चीज़ों से जो है नॉइस पोल्यूशन बनती है शोर शराबे की वजह से। ठीक है, प्रोवोकातो दी व्हीकोली जो कि गाड़ी की वजह से पैदा होती है उस बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है इल रूमोरे प्रोदोतो, जो शोर पैदा होता है दी व्हीकोली गाड़ी से, मोटोरे इंजन से, गाड़ी के इंजन से, एक औजातो सोलो दल मोटोरे, कहता है कि सिर्फ गाड़ी का जो इंजन है सिर्फ उसी की वजह से शोर पैदा होता है गाड़ी में। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि सिर्फ इंजन की वजह से नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का बग़ैर किसी वजह के फजूल में, उससे भी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होती है, शोर शराबा होगा। ज़ाहिर है अगर 10 गाड़ियाँ हैं और 10 की 10 गाड़ियाँ हॉर्न बजाएंगी तो कितना शोर होगा। दूसरा सवाल है इल रूमोरे प्रोदोतो दी व्हीकोली मोटोरे, कहता है कि जो शोर पैदा होता है गाड़ी की वजह से, सी पो दिमिनूरे कम हो सकता है कौन उना गुइदा कुरेता, अगर आप सही तरीके से गाड़ी चलाएं, के एवीते बचें ब्रूस की अचानक फ्रेनाते, अचानक ब्रेक लगाने से बचें, और फोर्थी एक्सेलरेशनें या बहुत ज़्यादा गाड़ी को एक्सेलरेट करने से, स्पीड देने से बचें। इन सब चीज़ों से जो है वो नॉइस जो है वो शोर पैदा होता है। तीसरा सवाल है इल रूमोरे प्रोदोतो दी व्हीकोली इमोटोरे, कहता है जो शोर पैदा होता है गाड़ी की वजह से, इमेंता बढ़ता है मन मानो, केसी वा रोविनांदो अगर डैमेज है ख़राब है, इल सिलेंजा तोरे मरमिता, अगर तो गाड़ी का जो सिलेंसर है वो ख़राब है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी गाड़ी जो है वो शोर करती है, नॉइस पैदा होगी। तो ये सवाल भी वेरो है। अब है जी हमारे पास पेज नंबर 886, टॉपिक वही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इनक्विनमेंटो एक्वेस्टिको प्रोवोकातो दी व्हीकोली, जो नॉइस पोल्यूशन है, जो शोर शराबा है पैदा होता है गाड़ी की वजह से। पहला सवाल है निले कुर्वे पेरकोर से, जो मोड़ है उसमें ए फोर्थ वेलोसिटा, अगर बहुत तेज़ आपकी स्पीड है गाड़ी की, लो स्त्रिशमेंटो, अगर गाड़ी जिस तरह से स्लिप हो रही है या जैसे आप मोड़ में जो कर्व होता है उसमें बहुत तेज़ी से जब चलाते हैं गाड़ी, तो थोड़ी सी जो है वो आवाज़ आती है क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्किट करती है, थोड़ी स्लिप सी होती है। दी पेनुमाते जी एयोमेंता, जो गाड़ी के टायर हैं वो बढ़ा देते हैं रोमोरोसिता दल व्हीकोलो, जो आवाज़ है ठीक है वो गाड़ी की बढ़ जाती है, क्योंकि जो टायर हैं वो रोड के साथ ऐसे रगड़ खाते हैं या स्लिप से होते हैं अगर आप बहुत तेज़ी से मोड़ काटें तो। तो ये सवाल वेरो है, इसकी वजह से जो नॉइस पोल्यूशन है, जो शोर शराबा है, वो बढ़ता है। दूसरा सवाल है रिमोर की जो है वो ट्रॉला होता है, व्योती होता है खाली, एम्प्टी बिल्कुल खाली, के सोबल जानो, ठीक है, जो बल खा रहा है, इधर उधर डगमगा रहा है एक्सेसिव मेंते बहुत ज़्यादा, पोसोनो ऐसे हो सकता है कौजादी रुमोरे। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है, वो कहता है कि अगर कोई खाली ट्रॉला है ठीक है, और वो बहुत जब खाली होता है तो जब वो चलता है, स्पेशली अगर कोई जंप आती है, कोई खड्डा आता है, तो वो इधर उधर जो है वो हिलता जुलता रहता है, उससे बहुत शोर होता है, तो वो भी एक वजह है जिससे जो है नॉइस पोल्यूशन पैदा होती है। अब है जी पेज नंबर 886 हमारे पास, और जो टॉपिक है वो है रिडिजियोने दल इनक्विनमेंटो, किस तरह से हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन एक्वेस्टिको, जो कि नॉइस पोल्यूशन है, प्रोवोकातो दी व्हीकोली, जो कि गाड़ी से पैदा होती है। तो अब हम वो चीज़ें देखेंगे, अगर आपकी गाड़ी में कोई गड़बड़ है ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी कि आप किस तरह से वो सब ठीक करा सकते हैं, ताकि जो शोर शराबा है, जो नॉइस पोल्यूशन है, वो कम हो। पहला सवाल है पर दिमिनूरे कम करने के लिए इल रूमोरे शोर एमेसो दी व्हीकोली मोटोरे, जो कि गाड़ी से पैदा हो रहा है, सी देवे ज़रूरी है, सोनार इल क्लक्सन, आप
जितना क्लाक्सन बोलते हैं हॉर्न को, गाड़ी की जो हॉर्न होता है, इल मेनू पॉसिबली, कहते हैं जितना मुमकिन हो सके कम आप हॉर्न बजाएं। तो ये तो सबसे पहला फैक्टर आता है जो नॉइस पोल्यूशन है, जो शोर शराबा पैदा होता है, क्योंकि बिला वजह हॉर्न बजाना बिल्कुल मना है। ठीक है, अगर बहुत कोई एमरजेंसी है या कोई बहुत अचानक कुछ ऐसा हो गया है उस पर आप बजा सकते हैं, बिला वजह हॉर्न जो है वो बजाना मना है। दूसरा सवाल है, पर दिमिनूरे, अगर आप चाहते हैं कम हो इल रुमोरे शोर एम एस ओ दी वीकोले मतोरे, जो कि पैदा हो रहा है गाड़ी से, बास्ता इल्यूमिनारे ला पार्ते फिनाले दिला मरमिता। मरमिता जो है सिलेंसर का ही दूसरा वर्ड है, ठीक है, सिलेंजा तोरे सिलेंसर का। वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि शोर शराबा कम हो तो जो सिलेंसर का आखिरी वाला हिस्सा है उसको काट दें, उसको ख़त्म कर दें। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी करने से शोर शराबे का कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा सवाल है, पर दिमिनूरे इल रुमोरे, अगर आप चाहते हैं कि शोर कम हो एमएसओ दी वीकुली, जो कि गाड़ी से पैदा हो रहा है इमतोरे, इन नेसेसारियो ज़रूरी है कि डिस्पोजिटिवो सिलेंसर तोरे मरमिता, के जो सिस्टम है आपका सिलेंसर वगैरह जो गाड़ी के पीछे लगा होता है, सिया एफिशिएंटे सही एफिशिएंट है, अच्छा है, ठीक है, यदि टीपो अप्रोवातो और अप्रूव्ड कंपनी का है। ठीक है, वो कहता है कि अगर ये सवाल वेरो है, वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि शोर कम हो, आपकी गाड़ी का शोर कम पैदा हो, तो जो सिलेंसर है वो ठीक होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए और अच्छी ठीक अप्रूव्ड कंपनी का होना चाहिए। ये सवाल भी वेरो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर दिमिनूरे इल रुमोरे, अगर आप चाहते हैं शोर कम हो प्रोडोटो दी वीकोली मोटोरे, जो कि गाड़ी से पैदा होता है, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, फार कंट्रोल आ रहे, आप कंट्रोल करें इफ्रेनी ब्रेकों को, सी एमितानो रुमोरे, अगर तो वो बहुत शोर क्रिएट कर रहे हैं, दुरानते ला फ्रेनानते ब्रेक लगाते वक्त, सोस्ती ट्विन दोले सी नेसेसारियो, और आप उसको तब्दील कर दें, चेंज करें अगर ज़रूरी है तो। तो ये सवाल भी वेरो है। एक तो आपने सिलेंसर देखना है, अगर वो ख़राब है, बहुत शोर कर रहा है, धुआं निकल रहा है, उसको आप चेंज कर दें। दूसरी चीज़, अपनी ब्रेकों पर ध्यान दें, अगर ब्रेक लगाते हुए बहुत शोर आता है तो उसको भी आप चेंज कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पर दिमिनूर एल रुमोरे, अगर आप चाहते हैं शोर कम हो इन चेसारी हो तो ज़रूरी है, फारे सोस्ती तवीरें तब्दील करें, चेंज करें ला मरमिता, जो सिलेंसर है गाड़ी का, रोविनाता, अगर डैमेज है, ख़राब है, कौन उना अप्रोवाता, और कोई अप्रूव्ड लें, पर क्वेले टीपो दी वीकोली, जिस टाइप की गाड़ी है उसके साथ का अप्रूव्ड आप लें। ठीक है, तो वो कहता है कि आपको चाहिए कि अगर तो आपका सिलेंसर ख़राब है, डैमेज है, तो कोई अप्रूव्ड कंपनी का लें और अपनी गाड़ी के हिसाब से लें। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर दिमिनूर एल रिमोरे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का शोर ना हो एमएसओ दी वीकोले मोटोरे, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, प्रतिकारे दी फौरी, तो सुराख करें, फौरी बोलते हैं सुराखों को, नेल डिस्पोजिटिवो सिलेंसर तोरे, सिलेंसर के अंदर सुराख कर दें। तो ये सवाल गलत है, फालसो है। ठीक है, वो कहता है अगर आप चाहते हैं कि शोर कम हो तो जो गाड़ी का सिलेंसर है उसके अंदर सुराख कर दें, तो ये भी बिल्कुल बेसलेस और गलत सवाल है। 7वां सवाल है, पर दिमिनूरे, अगर आप चाहते हैं कम हो इल रुमोरे शोर नॉन सी देवे एक्सेलरारे, बहुत ज़्यादा स्पीड ना दें, एक्सेलरेटर को ना दबाएं, कौन दो वीकुले फेरमो, वेरो है सवाल। जब आपकी गाड़ी किसी वजह से खड़ी है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर, ठीक है, तो बिला वजह जो है, एक तरफ आपने ब्रेक वगैरह दबाई हुई है, तो बिला वजह उसको एक्सेलरेट ना करें, उससे बहुत शोर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर दिमिनूरे, अगर आप चाहते हैं कम हो इल रुमोरे शोर एम एस ओ दी वीकुले मोटोरे, जो कि गाड़ी से पैदा होता है, सी देवे ज़रूरी है, सोस्ती तवीरे तब्दील कर दें, इल तूबो दी स्कारिको उजान दो ऊनो दी डायमेट्रो प्यू पीकोला। वो कहता है तूबो दी स्कारिको जो है वो भी यूज़ होता है वर्ड सिलेंसर के लिए, क्योंकि सिलेंसर से ही धुआं वगैरह निकलता है, तो वो कहता है उसको आप चेंज कर दें और इस्तेमाल करें ऊनो दी डायमेट्रो प्यू पीकोला, जिसका डायामीटर छोटा हो वो आप इस्तेमाल करें, तो उससे क्या है कि शोर नहीं होगा। तो ये सवाल गलत है, जाहिर सी बात है, जिस तरह की गाड़ी है, जिस टाइप की गाड़ी है, उसके लिए जितना चाहिए उतना ही यूज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका डायामीटर जो है वो कम हो तो फिर जो है वो शोर नहीं होगा। तो ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल कंट्रोलो दी फ्रेनी, अगर आप चाहते हैं ब्रेक कंट्रोल हो, के प्रोदुचोनो रुमोरे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, ऑल थ्री एट एमेंटारे ला सिक्योरेजा,
कह रहा है एक तो आपकी हिफाजत के लिए अच्छा है, पो रिदूरेला रोमोरिस्टिका दल वीकोलो, और आपकी जो गाड़ी है उससे शोर भी कम होगा। वो कहता है आप अपनी जो ब्रेकें हैं उसको चेक करें, अगर तो वो बहुत शोर कर रही हैं। पहली बात, अगर ब्रेकों से शोर की आवाज़ आ रही है तो आपके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए मसला ज़ाहिर है, ब्रेकों में कोई मसला है। तो वो कहता है कि उसको तब्दील करें, उसको चेक करें, एक तो आपकी हिफाजत के लिए वो अच्छा है और दूसरा ये कि शोर भी कम होगा।